आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन रात में हमारे बगल में जो देवी मैया का मंदिर है वहाँ पर पूजा पाठ होती है और भजन गाते हैं। भजन मतलब कुछ अलग सा छोड़ा चाँचरी जिसको बोलते हैं, यहाँ की लैंग्वेज में छोड़ा चाँचरी कुछ अलग होता है, तो वही चीज़ आज यहाँ पर हम गाने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं। और मौसम मैंने आपको अपने उस वाले ब्लॉग में दिखाया था कि कैसा हो रहा था, तो उसके बाद भी बहुत सारी बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ मतलब बिना लाइट के बैठे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर भजन गा रहे हैं। जो औरतें हैं यहाँ की वो कुछ गा रही है मतलब, लेकिन मुझे भी वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंजॉय करना कि क्या गा रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे भी बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा कि क्या गा रहे हैं, पर कुछ एक भजन ये गा रहे हैं। और हर जगह से हर मंदिर को, जैसे हमारे यहाँ का जो रास्ता है थल मुआनी और जहाँ जहाँ पर जो जो भगवान है मतलब उनके मंदिर में कुछ दिया जलाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे को अच्छे से तो समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इंजॉय करते हैं ब्लॉग को। जैसे कि ये क्या गा रहे थे ना, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी और शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आए, पर उससे जो सुकून मिल रहा था ना दिल को, वो बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। मतलब उसको सुनते जाओ आंखें बंद करके और मतलब समझो ना, बस सुनते जाओ। जो उनकी टोन आ रही थी बोलने की ना, गाने की, मतलब बड़ी सुंदर लग रही थी। जो नोट्स थे इनके ऊपर नीचे जा रहे थे, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी और दिल को मतलब बहुत सुकून मिल रहा था, तो मज़ा आ रहा था मुझे सुनने में। तो अब आप भी मज़े लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा आपको सुन के। ये एक टाइप की चाँचरी है जो यहाँ पर गाते हैं, पर यहाँ हमारे वहाँ पर ना चाँचरी बैठ कर गाई जाती है। जैसे बहुत जगहों पर एक सर्कल बनाया जाता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे गाई जाती है। या जो पादी है पापा।
तो बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें। इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और जल्द मिलूंगी आपको एक नई ब्लॉग के साथ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग।